Hey everyone, welcome to my channel and welcome to a new vlog. Hope so you all are doing well. और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, अभी मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ, तो आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है. अभी मतलब 10 बज चुकी है और अभी तक धूप नहीं आई, तो ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है. आपको दिखाती हूँ मैं, पूरा बादल बादल हो रहा है, अभी तक धूप ही नहीं है. और जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मैं नदी के पास रहती हूँ, तो यहाँ पर ठंड ज़्यादा है, थोड़ा ठंड ज़्यादा है. बाकी कोहरा यहाँ से थोड़ा लेट हटता है, बाकी इस कम्पेयर टू ऊपर वाले डांग में या ऊपर श्रीनगर में. तो अभी आज मैंने सोचा कि चलो मेरा डे रूटीन में ब्लॉग शूट करती हूँ. तो अभी सुबह का टाइम है जैसे कि आप लोगों को मैंने बताई दिया, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. चाय बन चुकी है, चलिए फिर पीते हैं. बाकी अभी मुझे सुबह सुबह चाय के साथ अपनी नोवेल पढ़ना बहुत पसंद है, जो कि मेरी फेवरेट नोवेल है. मैंने बहुत बार पढ़ चुकी है, एक बार पढ़ ली है, फिर से मैं पढ़ती हूँ, हमेशा पढ़ती हूँ, क्योंकि उससे मेरे को पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो इसलिए मैं एक बार ज़रूर उसे देख लेती हूँ. जो मेरा मॉर्निंग रूटीन का थोड़ा पार्ट था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो चलिए अब मैं उठती हूँ और मुझे बहुत सारा काम है, ब्रेकफास्ट करना है. बना के गई है आशा सुबह, आशा तो कॉलेज चली गई है, घर पे अभी अकेली मैं हूँ. और मुझे भी कॉलेज जाना है, मैं जाऊँगी 12 बजे तक. और अभी मुझे घर का बहुत सारा काम निपटाना है और बाकी थोड़ा पढ़ाई भी करके जानी है कॉलेज थोड़ा. तो चलिए फिर, अभी तो मैं फ़िलहाल जा रही हूँ मुँह हाथ धोने, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करती हूँ. तब तक लेट्स स्टे ट्यून्ड. मैंने मुंह हाथ धो लिया है और बाकी अभी मैं बिस्तर उठा देती हूँ. पहले बिस्तर उठाऊंगी, उसके बाद मुझे बर्तन धोने, उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगी. तो चलिए फिर काम पे लगते हैं. इस बिस्तर तो मैंने उठा लिया और ये बेड झाड़ने वाला, चद्दर झाड़ने वाला काम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो ये आशा ही करती है हमेशा, तो वो कॉलेज से आके कर लेगी ये वाला काम. बाकी मैं तब तक बर्तन धो लेती हूँ. आज ब्रेकफास्ट में है आलू गोभी की सब्जी, जो आशा ये मैंने बनाई है, और ये रोटी आशा ने, और बाकी चाय. चाय के बिना सब कुछ इनकम्प्लीट है. तो चलिए गाइस, मैं नाश्ता करने के बाद मिलती हूँ आप लोग. गाइस ऑलमोस्ट मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अब मुझे जाना है कॉलेज, तो मैं तैयार हो रही हूँ अभी. तो चलिए फिर आपको मैं कॉलेज, अभी तो रोड तक जाऊँगी, चलो तब बात करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे तैयार होना है. लेट हो चुकी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ. मुझे निकलना था घर से 12 बजे और 12 बज चुकी है और अभी तक मैं निकली नहीं. तो चलिए फिर मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ भाई, तब तक लेट स्टे ट्यून्ड. गाइस मैं निकल चुकी हूँ घर से और अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज गेट पर, वहाँ से मेरी फ्रेंड मिलेगी मुझे, वो पिक करेगी. अभी आई डोंट नो उसकी क्लास थी, उसकी मैथ्स की क्लास लगी हुई है, अब देखते हैं आएगी या नहीं. पर मैं अभी फिलहाल के लिए कॉलेज गेट पे जा रही हूँ ताकि उसे वेट ना करना पड़े मेरा. तो चलिए फिर देखते हैं. गाइस हम लोग आ गए हैं चौरास पुल में और मेरे साथ है मेरी फ्रेंड शिवानी और ये मेरे साथ है इसकी स्कूटी में आए हम लोग. और बाकी ये है व्यू सामने का, ये बाकी अभी मेरा कैमरा पकड़ेगी ये शिवानी और मैं चलाऊँगी स्कूटी. बाकी बहुत सुंदर व्यू है यार यहाँ से, चौरास बहुत काफ़ी सुंदर है, यहाँ से दिख भी रहा है. यहाँ से इधर मोड़, इधर को, हाँ मेरे को पता है फॉरेस्ट्री का वो डिपार्टमेंट, मैं बाहर की पहले डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री में आने के हॉर्टिकल्चर में फॉरेस्ट्री अरे का वहीं चलती था अभी चल. तो गाइस हम अपने डिपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं. हाँ यार फॉरेस्ट्री का था ये.
तो गाइस अभी भी हमारा काम नहीं है, तो मुझे बोल सकती है, तो कोई बात नहीं। तो गाइस मेरा आधा काम हो चुका है और लास्ट काम बचा है, बोले तो अभी फीस काउंटर में जाऊंगे चिन के, तब देखते हैं क्या होता है। अभी बोल रहे हैं 18 रुपये जी, बीटी हॉस्टल। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं श्रीकोट, जा रहे हैं हम लोग, स्कूटी में तेल कम है तो इसलिए हम तेल भरवा जा रहे हैं। और ये शिवानी, अभी शिवानी चला रही है स्कूटी, आई डोंट नो मेरी आवाज़ अब तक पहुंच रही है या नहीं, बट हम चले जा रहे हैं बस। और काम बन गया है, चौरास्ता बहुत इजीली हो गया था, बिरला वालों ने तो मुझे बहुत घुमाया बहुत ज़्यादा, पर इन्होंने बहुत ईजिली कर दिया था, बस हमको एचओडी के लिए रुकना पड़ा थोड़ा, बाकी तो सब सही है। और बाकी हम लोग पहुँच चुके हैं श्रीकोट अभी। गाइस हमने फाइनली, हमको बड़ी मुश्किल से कॉलेज के पास आके, जो यहाँ श्रीकोट का कॉलेज उसके पास आके हमको बड़ी मुश्किल से पेट्रोल मिला, क्योंकि पूरे श्रीनगर में पेट्रोल था ही नहीं। तो फिर अब हम जा रहे हैं वापस, बस चलते हैं। तो गाइस ये है सामने गेट, दिखेगा आपको, ये है हॉस्पिटल यहाँ का, जहाँ बहुत दूर दूर से लोग इलाज कराने आते हैं। ये हिम्मती, हाँ अभी सारे चिनव्यू के ही है सारे। तो गाइज मैं घर आई, मैंने चेंज किया और तुरंत खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, खाना नहीं बना। आशा भी अभी तो नहीं आएगी, पर मुझे भूख लग गई है तो सोचा खाना बना लेती हूँ। तो चावल तो मैं बना के गई थी, तो दाल मैंने सोचा था मैं चौसा बनाऊँगी, चौसा बना रही हूँ, आज पहली बार चौसा बना रही हूँ। मुझे नहीं पता कैसे बनता है, पर मैं अपने अंदाजे से, क्योंकि मैंने एक दिन कढ़ी बनाई थी ना, तो मैं उसी अंदाजे से चौसा भी बना रही हूँ, तो अच्छा बने। लगभग ऑलमोस्ट हो ही गया है वो काम, अब देखते क्या होता है। फिर चौरासा भी फिर जाना है वेरिफिकेशन के लिए, आई डोंट नो यार, बहुत बहुत झमेला है इस चीज़ में, बहुत परेशान है हम लोग क्या सिर्फ मैं ही हूँ। और 3 तारीख से कॉलेज खुल रहा है, 3 तारीख से हम कॉलेज जाएंगे। अभी नहीं गई मैं कल से, मैंने कपड़े धो के सुखाने डाले थे और कल रात को लेट हो गई थी, हम रूम ढूंढने गए थे, अभी भी हमको रूम नहीं मिला, रूम ढूंढने गए थे, तो फिर मैं कपड़े उठाना भूल गई, तो वो कपड़े छत पे ही है और मैं अभी जा रही हूँ छत पे कपड़े उठाने। फिर चलिए फिर चलते हैं। ये है हमारा छत, जिस पे आशा ने, आशा के सारे कपड़े उस साइड टंगे हुए और मेरे इस साइड है। बाकी ये व्यू देखो यार, बहुत सुंदर दिखता है। अभी तो देखो पानी में कितनी क्लियरिटी है, यहाँ पे बहुत सुंदर दिख रहा है। पानी आज बहुत कम है, बहुत कम, गर्मियों में उधर तक भरा रहता है पूरा फुल, और ठंडियों में बहुत कम सा आता है इधर इधर सिर्फ। बाकी सारे मकान ये हैं उधर चिपके चिपके, और ये कमलेश्वर है जहाँ मैं रहती हूँ, और बाकी जो आपको आई डोंट नो ये वाला पार्ट दिख रहा है ऊँचे में, ये है डांग, हम वहाँ भी गए थे रूम ढूंढने पर नहीं मिला। तो गाइज मैं अभी सो के उठी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई, उसके बाद मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद बहुत बहुत गंदी वाली नींद आ गई, क्योंकि सुबह से थके हुए थे, मेरे पूरे बॉडी में पेन भी हो रहा है। तो अभी तो मैंने चाय बनाई, अभी उठ के चाय बनाई और अब पढ़ रही हूँ। पढ़ाई शढ़ाई हमने कर ली थी, फिर उसके बाद चाय चू सब कुछ पी लिया था, खाना इवन खाना बना के भी खा लिया, बहुत बहुत ज़्यादा थक गए अब तो, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, रात भी काफ़ी हो गई, पूरी बॉडी में पेन कर रहा है। आज दोनों बहनें हम बहुत ज़्यादा थके हुए, वो भी लेट आई थी, मेरे से भी लेट आई थी, वो 4:30 तक कॉलेज चाहिए थी, तो उसके बाद पढ़ाई बुढ़ी की, फिर और टूट गया मतलब शरीर, बहुत 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 थकान लगी। और अभी रात हो चुकी है, अब तो सोने का टाइम आ गया है। तो चलिए फिर, अगर आपको कोई कुछ आप लोग मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कुछ भी मेरी वीडियोस में, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ज़रूर ज़रूर लिखना, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को कहाँ कमी लग रही है। एंड कीप सपोर्टिंग, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ एंड